My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is verb. तो बच्चों verb की हमने definition पढ़ी है कि क्या definition क्या होती है. वो words होते हैं जिससे क्या पता चलते हैं, आपके action पता चलते हैं. Clear? तो जितने भी आपके action words हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, verb. जैसे यहाँ पे example में भी देख रहे हैं, चाहे आप dance कर रहे हैं, चाहे वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग, ईटिंग, ऑल दीज वर्ड्स आर योर वर्ब. क्लियर? तो हमने डेफिनेशन भी देखी थी और उससे पहले डेफिनेशन से पहले हमने पढ़ा था कि वर्ब हमें क्या बताता है. वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, एक मेन वर्ब होता है और एक होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब हमें एक्चुअल जो है एक्शन बताता है और इसको हम अकेले भी यूज कर सकते हैं. बट जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हेल्प करते हैं किसको, मेन वर्ब को करते हैं और स्टेट बताते हैं. क्लियर? और उनको हम अकेले यूज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट यूज अलोन. क्लियर? तो ये बच्चों हमने पढ़ा था, एक बार इसका रिवीजन करते हैं और फिर देन वी विल कंटिन्यू द सेम. वर्ब जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक एक्शन वर्ब होते हैं और एक होते हैं स्टेट बताते हैं. तो मेन वर्ब हमें एक्शन बताते हैं, एक्चुअल में क्या एक्शन हो रहा है, और स्टेट कौन बताता है, ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर. मेन वर्ब होते हैं जैसे रन हो गया आपका, प्ले हो गया, ईट हो गया, रीड हो गया, जंप, क्लियर, गो, ऑल दीज वर्ड्स आर वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज द एक्शन. जो क्या बताते हैं, आपके एक्शन बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेन वर्ब. एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, दे कैन स्टैंड अलोन, उनको हम अकेले भी यूज कर सकते हैं इन अ सेंटेंस. ऑक्सिलरी वर्ब is and are was etc. they give more meaning to main verb. they cannot stand alone, इनको हम अकेले use नहीं कर सकते. राम is, राम am, right? तो ऐसे use नहीं कर सकते. इनको कैसे use करते हैं, I am, राम is, I am, क्योंकि am किसके साथ use करते हैं हम, I के साथ use करते. तो अगर हम यहाँ पे I am बोले या राम is बोले या they are बोले तो क्या कोई मीनिंग निकल रहा, नहीं, जब तक इसमें मेन वर्ब को हम ऐड नहीं करते. क्लियर? नेक्स्ट है कि वर्ब हमें क्या बताते हैं, व्हाट ए पर्सन और थिंग डस, कि क्या करता है. रमिता सिंह, जैसे हमने इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस, रमिता सिंह, रमिता क्या करती है, रमिता गाना गाती है, गाती है. बॉयज आर रन क्विकली, बॉयज क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, दौड़ते हैं तेजी से. व्हाट इज डन टू अ पर्सन, किसी पर्सन को क्या हुआ है या थिंग को क्या हुआ है. जैसे द चेयर इज ब्रोकन, चेयर कैसी है, टूटी हुई है. तो यहाँ पे हम चेयर के बारे में बता रहे हैं. सिमिलरली मोहन इज पनिश्ड, मोहन के बारे में बता रहे हैं. व्हाट थर्ड थिंग क्या बता था हमें, वर्ब व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, स्टेट बता रहा है. द डॉग इज डेड, डॉग क्या है, मरा हुआ है. ग्लास कैसा है, ब्रिटल है, टूटा हुआ है. तो यहाँ पे फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स है, थिंक, किक, डांस, क्राई, डाइव, जंप, सिंग, सिट, ऑल दीज वर्ड्स आर योर वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. क्योंकि इससे पहले आपको जानना ये जरूरी है, यू शुड नो कि मेन वर्ब क्या होता है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं. क्लियर? तो अ वर्ब इज अ वर्ड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन. सेकेंड क्या है बच्चों, स्टेट. अब एक्शन कौन बताता है, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था मेन वर्ब. स्टेट कौन बताता है, ऑक्सिलरी वर्ब. क्लियर? द वर्ब इज अ पार्ट ऑफ इट सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स. तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि वर्ब और सब्जेक्ट का क्या एक एग्रीमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या चेंज करते हैं, वर्ब को चेंज करते हैं. अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करते हैं. तो ये एक टॉपिक भी हम पढ़ेंगे बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, कि क्या एग्रीमेंट है, किसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं. क्लियर? जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग, तो एक यूजुअल एक्शन है वॉक, राइट. इसी तरह से मीका, Mikey is going to school, a condition of action. Albert does not like, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप. Anna is a good girl, तो Anna कैसी है, किस स्टेट बता रहे हैं कि अच्छी लड़की है. Anna is an intelligent girl, कुछ भी आप बोल सकते हैं.
तो गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि एडजेक्टिव ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अन्ना नाउन है, इज यूज अ वर्ब, और गर्ल क्या है, ये भी नाउन है, कॉमन नाउन। क्लियर? चाहे नेगेटिव सेंटेंस है चाहे पॉजिटिव सेंटेंस है, हमें कैसे चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। क्लियर? और टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैं अभी जो है इतना डिटेल में नहीं बता रहे हैं आपको। द वर्ड दैट एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल स्टेट, इट इज एक्सप्रेसिंग एन एक्शन और समथिंग दैट अ पर्सन, एनिमल और थिंग कैन डू। राइट? कि एक कोई पर्सन क्या कर रहा है, एनिमल क्या कर रहा है, राइट, और थिंग कैन डू। वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, अ सेंटेंस कैन नॉट वर्क विदाउट एन एक्शन। कोई भी सेंटेंस लिखते हैं अगर हम वर्ब यूज नहीं करते हैं तो क्या उसका मीनिंग निकलता है बच्चों? नहीं निकलता है। एन एक्शन वर्ब, व्हेन यूजिंग एक्शन वर्ब द सेंटेंस फ्रेम सब्जेक्ट एक्शन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मोहन एक्शन वर्ब क्या है, गोज टू स्कूल, जाता है, मोहन स्कूल जाता है। तो मोहन क्या है आपका सब्जेक्ट, गोज क्या है आपका एक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है तो स्कूल। अगर इसी को कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन इज गोइंग। तो इसमें आपके दोनों है, मेन वर्ब भी है और आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी है, मोहन इज गोइंग टू स्कूल। ये हम टेंसेस पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू द टेंस कैसे हम चेंज करते हैं वर्ब को। क्लियर? तो वर्ब्स आर रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, जैसे अभी मैंने बताया था, सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर, टेंस, मूड, वॉइस। इज इट क्लियर? अब ये लड़की क्या करिए, वॉक करिए, तो वॉक क्या है आपका वर्ब, क्या है ये, एक आपका एक्शन वर्ड, एक्शन है ये। क्लियर? तो क्या है एक्शन, वॉक कर रही है, दैट इज व्हाई इट इज योर वर्ब। नेक्स्ट है आपका स्मेल, टेस्ट, हियर, सी, रन, वॉक। अगर किसी चीज को आप टेस्ट कर रहे हैं तो एक्शन है, स्मेल, हियर, see, run, walk, all these words are your verb. Next है, ये हम जो है नया टॉपिक है आपका, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो हमारा जो है रिविजन था। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं आया है तो यू कैन क्लियर योर डाउट। काइंड ऑफ वर्ब्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब और सेकेंड क्या होता है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल अगर हम सिंपल सेंटेंस में बोले या स्टेटमेंट में बोले तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस। अगर किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीट सेंस आता है, तो देन इट इज कॉल्ड योर ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब वर्ड और ऑब्जेक्ट। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या कहलाते हैं बच्चों, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक्स गुड सेंस इटसेल्फ। अपने आप जो है मीनिंग निकलता है, ये नहीं है कि वो इनकम्प्लीट है, अपने आप में मीनिंग निकलता है, तो देन इट इज कॉल्ड योर इन ट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम किसी जो है ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, ही थ्रू अ बॉल, थ्रू क्या है बच्चों, फेंकी। तो थ्रू, थ्रो का क्या है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है कि उसने बॉल फेंकी। अगर मैं बोलूंगी बच्चों ही थ्रू कि उसने वह फेंका या फेंकी, तो क्या फेंकी, बॉल फेंकी। तो अगर मैं ही थ्रू बोलूंगी तो इनकम्प्लीट सेंस है, बट अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट यूज करूंगी तो कंप्लीट सेंस है कि उसने क्या फेंका, ही थ्रू ए बॉल। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। I love flowers. Flowers क्या है आपका ऑब्जेक्ट। द मैन किल्ड अ स्नेक, तो किल्ड क्या है आपका वर्ब है। द बॉय ओपन द डोर, ओपन द विंडो या ओपन द डोर, तो विंडो क्या है, ओपन द विंडो, विंडो क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ओपन क्या है आपका
सब्जेक्ट, सॉरी मेन वर्ब. सिमिलरली आई लव फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या आपका ऑब्जेक्ट, इसलिए क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट. अदिति मेड अ बॉल, तो यहाँ पे क्या है, अदिति इज योर वर्ब और डॉल क्या है आपका ऑब्जेक्ट. तो हमने देखा इन ऑल दीज सेंटेंस, तो वर्ब के बाद क्या यूज करा हमने, ऑब्जेक्ट. क्यों यूज करा, टू कंप्लीट इट्स सेंस, क्लियर. सिमिलरली इन द इन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस. तो यहाँ पे क्या है, द मैन डाई, मैन क्या है मर गया. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, द मैन, ये आपका क्या है वर्ब है और ये क्या आपका सब्जेक्ट. तो यहीं पे आपका क्या है कंप्लीट सेंस है. इट मेक्स गुड सेंस इटसेल्फ, अपने आप में विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट, अपने आप क्या है कंप्लीट सेंटेंस, ऑब्जेक्ट नहीं है. तो जिनमें जिन सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर. शी स्माइल्स, तो शी क्या आपका सब्जेक्ट, स्माइल्स क्या आपका वर्ब. द सन शाइन्स, सन क्या है सब्जेक्ट, शाइन्स क्या है आपका वर्ब. सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल इज योर सब्जेक्ट, स्माइल क्या है आपका वर्ब. राम प्लेस, राम प्लेस, राम खेलता है, क्लियर. तो राम क्या है आपका सब्जेक्ट, प्लेस क्या है आपका वर्ब. तो बिना ऑब्जेक्ट के ये सारे सेंटेंस क्या कर रहे हैं, मेक गुड सेंस इटसेल्फ, अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहे. बट यहाँ पे क्या है बच्चों, द मैन किल्ड, मैंने मारा, क्या मारा, तो एक क्वेश्चन पुट होता है, तो इट दैट इज व्हाई वी यूज ऑब्जेक्ट. द मैन किल्ड अ स्नेक. सिमिलरली द बॉय ओपन, क्या ओपन करा, तो इनकम्प्लीट है द बॉय ओपन, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या खोला है. अगर हम बोलेंगे द बॉय ओपन द विंडो या ओपन द डोर, तो इट इज क्लियर टू यू कि ही क्या खोला उसने, ही हैज ओपन्ड या ही ओपन्ड द विंडो. अदिति मेड अ बॉल, अदिति ने क्या बनाई, तो अगर हम अदिति मेड लिखते तो इनकम्प्लीट सेंस होता, दैट इज वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा है ऑब्जेक्ट, दैट इज योर डॉल, की अदिति ने क्या बनाई, अदिति ने एक डॉल बनाई. तो इन सिंपल क्या कह सकते हैं, यू कैन से कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या कहलाएंगे, ये ट्रांजिटिव. अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा देन इट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब. लुक एट दिस पिक्चर, अब ये लड़की क्या कर रही है बच्चों, पियानो बजा रही है. अगर मैं सिंपल बोलूं कि शी प्लेड, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या प्ले कर रही है, क्लियर. अगर मैं बोलूंगी कि शी प्लेड द पियानो, क्योंकि पियानो बजा रही है पर्टिकुलर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, शी प्लेड द पियानो. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट यूज करा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज योर द पियानो, क्लियर. तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. बट लुक एट दिस पिक्चर, जैक इज रीडिंग, तो ये क्या है, इनट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जैक पढ़ रहा है, तो अपने आप में क्या है ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, क्लियर. कि जैक इज रीडिंग, तो इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और रीडिंग क्या है आपका मेन वर्ब है, बट नो ऑब्जेक्ट इज इन दिस सेंटेंस, दैट इज व्हाई इट इज योर इनट्रांजिटिव वर्ब. तो इज रीडिंग क्या है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब, प्लेड इस सेंटेंस में क्या है, क्योंकि हमने इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करा है, इट इज योर ट्रांजिटिव वर्ब. तो कितने टाइप्स के अभी आपने पढ़े बच्चों, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, सिंपल सा है, एक में हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, एक में हम ऑब्जेक्ट को नहीं यूज करते, क्लियर बच्चों. अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्लियर. सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द वर्ब्स, अब ट्रांजिटिव वर्ब के यहाँ पे कुछ रूल बताए गए हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखें. किसी भी सेंटेंस में टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट, राइट. कई बार होते हैं हम सीधे सीधे बात करते हैं, बट कभी जो है हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब इसमें क्या है बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो हम क्या बोल रहे हैं, शी गेव मी एन एप्पल,
अगर मैं बोलूंगी शी गेव एन एप्पल, तो मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ कि शी गेव एन एप्पल, कि उसने एक एप्पल दिया. बट अभी मैं क्या बोल रही हूँ, शी गेव मी, मुझे क्या दिया, एक एप्पल दिया. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. शी गेव मी एन एप्पल, तो एप्पल अगर ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी क्या है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सिमिलरली द टीचर, अब टीचर क्या है आपका, सब्जेक्ट, राइट, टोल्ड अस Told us a story. The teacher told a story. तो सिंपल सा है कि भाई उन्होंने एक स्टोरी सुनाई. अभी मैं कह रही हूँ the teacher told us, कि हमें सुनाई, right? तो indirect object is your us. I offered him some money. I offered him, उसे मैंने कुछ offered करा, some money. He promised us हॉलीडे, कि उसने हमसे प्रॉमिस किया एक हॉलीडे का. तो सिंपल सा है जो ये आपको पता चल रहा है, ये सारे हमारे क्या है, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड्स है. ये क्या है हमारे सारे सब्जेक्ट हैं, कि ये क्या करते हैं, दोनों का एक क्या है, कनेक्शन है, एक एग्रीमेंट है, कि किस तरह से हम उनको चेंज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द टेंस. क्लियर, ये क्या है आपका इनडायरेक्ट है, और ये क्या है आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो पहला रूल यही है कि ट्रांजेटिव वर्ब गिव, आस, ऑफर, टेल, तो ये चीजें आप याद करें. गिव अगर पूछ रहे हैं या दे रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमेशा कहाँ यूज करेंगे आप, बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस में दे रहे हैं, आस्क कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, टेल कर रहे हैं. क्लियर, इन दैट केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले उसको यूज करेंगे. क्लियर, अब ये यहाँ पे जो है बच्चा बैठा है, तो ये भी क्या है, ये एक्शन कर रहा है. क्लियर, तो जितने भी वर्ड से आपको पता चल रहा है कि कोई एक्शन दिखाई देता है, तो वो क्या है, हमारे वर्ब है. क्लियर, ये सारे क्या है हमारे, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिम, अस, मी, ये क्या है हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है हमारा सब्जेक्ट. क्लियर, नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों, कि अगर हम प्रेपोजिशन यूज करें, अगर हम प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, प्रेपोजिशन भी पढ़ेंगे हम, टू है, तो किस तरह से हम यूज करेंगे बच्चों, ऑफ है, फॉर है, प्रेपोजिशन को, तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा. इज इट क्लियर बच्चों, अगर हम किसी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा. यहाँ पे मैंने रूल भी लिखा है बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन, और देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लेट्स सी द एग्जांपल, सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे सेंटेंस में देखो डिफरेंस क्या है, शी गेव एन एप्पल टू मी, शी गेव एन एप्पल टू मी, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों, शी गेव मी एन एप्पल, शी गेव मी एन एप्पल, विदाउट प्रपोजिशन हमने यूज करा था, कि उसने मुझे एक एप्पल दिया, राइट, उसने प्रपोजिशन नहीं दे, बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बट डिफरेंस देखें बच्चों, अब हमने यहाँ पे क्या यूज करा, प्रपोजिशन टू और फोर को यूज करके हम सेंटेंस बना रहे हैं, शी गेव एन एप्पल, उसने एक एप्पल मुझे दिया. सेंटेंस में देखो डिफरेंस क्या है, शी गेव मी, उसने मुझे एप्पल दिया, एक एप्पल दिया,
अब यहाँ कह रहे हैं उसने एप्पल मुझे दिया। तो यहाँ पे हम प्रपोजिशन को यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करें और इनडायरेक्ट को बाद में यूज करें। शी गेव एन एप्पल टू मी, द टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू मी। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, प्रपोजिशन, डिफरेंट प्रपोजिशन। यहाँ पे हमने क्या किया था बच्चों, डायरेक्ट हम यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करें। शी गेव मी एन एप्पल, उसने मुझे एक एप्पल दिया। आगे क्या है यहाँ पे डिफरेंस देखे बच्चों, यहीं पे मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। शी, इसी सेंटेंस को देखो कैसे लिखेंगे हम, शी गेव एन एप्पल टू मी। डिफरेंस देख रहे हैं बच्चों आप, पहले सेंटेंस में क्या, शी गेव मी एन एप्पल, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले यूज करता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने बाद में यूज कर। बट इन दिस सेंटेंस ये क्या है आपका सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीधे सीधे हम बोल रहे हैं शी गेव एन एप्पल टू मी, और टू क्या है आपका प्रपोजिशन, प्रपोजिशन, और ये क्या है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस पता चल रहा है ना बच्चों, ये कैसे है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कहां यूज करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे, राइट। बट अगर हम प्रपोजिशंस को यूज करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कब आएगा बच्चों, जब हम प्रपोजिशंस को यूज करेंगे। गेव, ये सब सेम रहेगा बच्चों, बट चेंज कहाँ आएगा कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले यूज करा एन एप्पल, ये हमारे क्या है प्रपोजिशन है टू और फॉर, और ये क्या है हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। She gave an apple to me. The teacher told a story to me, to us. I offered some money to him. He promised a holiday to us. She asked its price to tell me. Will you make a cup of tea for me? Difference क्या है? Question वही है, ask है, tell है, offer है. But difference यही है कि इन sentences में हमने क्या use किया है बच्चों? Prepositions को use करा है. Can you get a dozen eggs for me? कि क्या तुम मुझे दे सकते हो कितना, a dozen eggs for me, या ला सकते हो, तो ये क्या है हमारे। और अगर हम सिंपल बोलेंगे she gave me an apple, the teacher told us a story, I offered him some money, इसमें हमने प्रपोजिशन नहीं यूज करा है, इसलिए हमने इनडायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट्स को पहले यूज करा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में यूज करा। क्लियर। नेक्स्ट है आई वॉक माय हॉर्स एवरी डे, द हॉर्स वॉक्स। डिफरेंस देखिए आप दोनों में कि ट्रांसलेटिव और इनट्रांसलेटिव में क्या डिफरेंस है। यहां बोल रहे हैं आई वॉक माय हॉर्स एवरी डे, और यहां सिंपल क्या बोल रहे हैं, द हॉर्स वॉक्स, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। द पियोन रैंग द बॉल बेल, पियोन ने क्या बजाई, घंटी बजाई, तो द बेल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ही मूव्स द टेबल, क्या मूव किया, ये आपका राइट, माई हॉर्स रैंग वर्ब, वॉक वर्ब, ये क्या आपका सब्जेक्ट। वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सिमिलरली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
तो सब सेंटेंसेस में देखा हमने क्या है, तीनों चीजें हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिटिव। यहाँ पे क्या है सिंपल सा बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब अपने आप में क्या है, ये कंप्लीट सेंस है। रैंग, द अर्थ मूव, द ट्रेन स्टॉप्ड, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे हमारी तीनों चीजें हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ पे हमें कंप्लीट सेंस को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, बट ये वाले सेंटेंस जो है कंप्लीट सेंस है अपने आप में इटसेल्फ। क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे विदाउट यूजिंग प्रपोजिशन, तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहां यूज करेंगे, बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज। आई होप सारे बच्चों के समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव क्या होते हैं, इनट्रांजिटिव क्या होते हैं, क्योंकि अभी हम जो है क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज। क्लियर? एक बार ये रिविजन करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, जिससे जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है एक बार और सारे बच्चे फोकस करें कि ट्रांजिटिव क्या होते हैं, इनट्रांजिटिव क्या होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स, दोनों पिक्चर्स को देखें कि किस तरह से एक में बच्चा क्या बजा रहा है, पियानो बजा रहा है, तो हमने क्या लिखा, शी प्लेड, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की बात करी है, द पियानो। क्लियर? तो शी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लेड आपका वर्ब हो गया, और पियानो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। और नेक्स्ट में क्या है बच्चों, जैक इज रीडिंग, तो हम यहाँ पे क्या है, जैक पढ़ रहा है, कंप्लीट सेंटेंस है, जैक इज रीडिंग, तो जैक इज रीडिंग, जैक पढ़ रहा है, इंट्रांजिटिव है, सब्जेक्ट है, और दोनों हमारे क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक क्या है हमारा मेन वर्ब है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करे थे और उसके हेल्प से हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो शी स्माइल्स, क्यों वो मुस्कुराती है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि क्यों मुस्कुराती है, क्या मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस की वो मुस्कुराती है। अगर हमने यहाँ पे क्या बोला कि शी या ही थ्रू अ बॉल, अगर ही थ्रू तो अपने आप क्या फेंकती, क्या फेंका, क्योंकि इनकम्प्लीट है, राइट? तो अगर हम ऑब्जेक्ट को लिख देंगे तो वो कंप्लीट बन जाएगा, बट इन दिस सेंटेंस अपने आप में क्या है, ये कंप्लीट है कि शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब गिव, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस पुट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, और किस तरह से यूज करते हैं कि अगर प्रपोजिशन को यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर हम यहाँ पे प्रपोजिशन को यूज करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। तो ये बच्चों छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, प्रपोजिशन को यूज करा है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज। तो पहला क्या लिखा है बच्चों, सीता डांसेस। अब अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सेंटेंस में देखेंगे कि कौन सा वर्ड जो है आपका वर्ब है, कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है, और कौन सा आपका सब्जेक्ट है। तो तीन चीजें आपको ढूंढनी है किसी भी सेंटेंस में। फर्स्ट वन इज योर सब्जेक्ट, सेकंड आपको देखना है वर्ब, थर्ड आपको देखना है ऑब्जेक्ट। अगर ये तीन चीजें आप किसी भी सेंटेंस में ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विच सेंटेंस इज योर, कहाँ पे आपका ट्रांजिटिव वर्ब यूज है, कहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? अब फर्स्ट वन इज योर सीता डांसेस। अब सीता क्या है आपका सब्जेक्ट, डांसेस क्या है, सीता डांस करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सीता डांसेस मीन्स
सीता डांस करती है, तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है कि सीता डांस करती है। तो डांस क्या है, एक्शन वर्ड वर्ड है, तो दैट इज योर वर्क। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, दो चीजें हैं, एक सीता एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं यूज होता अपने आप में जो है, इट मेक्स कंप्लीट सेंस इटसेल्फ, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या है आपका, इन ट्रांजिटिव वर्ब, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है राम थ्रू अ बॉल। अब इसमें भी देखते हैं बच्चों, राम क्या है आपका सब्जेक्ट, थ्रू क्या है आपका वर्ब, एक्शन है, फेंकना क्या है एक्शन है। तो यहाँ पे थ्रो थ्रू थ्रोन, तो थ्रू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राम थ्रू अ बॉल। अब राम ने क्या फेंकी, राम ने एक बॉल फेंकी, क्योंकि इसमें अपना क्वेश्चन एक पुट हो रहा है कि क्या फेंके। अगर हम सिंपल बोलेंगे राम थ्री और राम ने फेंका, तो क्या फेंका, बॉल फेंकी, तो बॉल इज योर ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है बच्चों, पूरे तीनों चीजें हैं इन सेंटेंस, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो क्या कहलाएंगे बच्चों ये वाले सेंटेंस, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर, क्या कहलाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों, आई राइट अ लेटर, आई सब्जेक्ट, राइट क्या है आपका वर्ब, लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। मैं एक पत्र लिखता हूं, राइट, तो आई राइट अ लेटर, तो तीनों चीजें इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, दैट इज वाई ये क्या होगा बच्चों, ट्रांजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट है सीता राइट्स, सीता क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट, राइट्स क्या है आपका वर्ब, तो इसमें क्या है, नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज वाई इट इज योर इन ट्रांजिटिव। राम प्लेस, राम क्या है आपका सब्जेक्ट, प्लेस क्या है आपका वर्ब, तो क्या कहलाएगा ये बच्चों, ऑब्वियसली इन ट्रांजिटिव। आई टेस्टेड द फूड, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, टेस्टेड जैसे अभी मैंने बताया था आपको, टेस्ट स्मेल हियर सारी क्या सी सब क्या है आपके, एक्शन शो करता है। आई टेस्टेड द फूड वर्ब, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या है आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, दैट इज वाई क्या है ये आपका ट्रांजिटिव। रीता सिंह, रीना सिंग्स अ सॉन्ग, सब्जेक्ट रीना, सब्जेक्ट सिंग्स क्या गाती है सॉन्ग, वर्ब ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब है ये, वहां पे भी क्या है ट्रांजिटिव है। द बर्ड फ्लाइज, बर्ड क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका एक्शन है, उड़ती है चिड़िया क्या है, उड़ती है, तो ये क्या है आपका वर्ब। तो पहला वाला क्या है बच्चों आपका ट्रांजिटिव, और दूसरा वाला क्या है आपका इन ट्रांजिटिव। क्लियर। सिमिलरली शी स्विम्स, शी क्या है आपका सब्जेक्ट, स्विम्स क्या है आपका वर्ब, तो क्या बोल, नो ऑब्जेक्ट इज देयर, इन ट्रांजिटिव। राम फ्लाइज द काइट, अब देखो यहाँ पे क्या था, द बर्ड फ्लाइज, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था कि चिड़िया क्या हो है उड़ती है, अपने आप में क्या है एक कंप्लीट सेंटेंस है, बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, राम फ्लाइज द काइट, राम क्या उड़ाता है, राम काइट उड़ाता है, चिड़िया तो ऑब्वियस है कि उड़ती है, तो द बर्ड फ्लाइज, तो अपने आप में क्या है ये कंप्लीट सेंस है, राम फ्लाइज द काइट, तो राम क्या है, राम इज योर सब्जेक्ट, फ्लाइज इज योर वर्ब, काइट इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो कहीं पे भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि पिक आउट द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इस तरह से आपको पिक करना है, और इस तरह से डांसेस जो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, थ्रू इस सेंटेंस में क्या है आपका ट्रांजिटिव है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे कि
कौन सा ट्रांसिटिव है और कौन सा इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि सेंटेंस में विच वन इज योर सब्जेक्ट, कौन सा आपका वर्ब है एंड विच वन इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर ये चीज आपकी क्लियर होगी माइंड में तभी आप जो है इजीली यू कैन डू। अब मेन इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब हमें आगे जो है टेंसेस करने हैं बच्चों, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होते हैं। राइट, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है वी वन वी टू वी थ्री वी फोर। क्लियर? तो वी वन में हम क्या लगाते हैं एस और ईएस लगाते हैं। वी टू क्या होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, जैसे गो वेंट, तो गो क्या है आपका वी वन है, गो वेंट क्या है आपका वी टू है, और गॉन क्या हो गया आपका वी थ्री है। अगर वी वन में बेस फॉर्म में अगर हम आई एन जी लगा देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है वी फोर, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे गो का क्या करा हमने अभी, गो वेंट गॉन, अगर फोर्थ फॉर्म बनानी आई एन जी एड करके तो क्या हो जाएगा बच्चों गोइंग। राइट, ईट एट इटन ईटिंग, राइट रोट रिटन राइटिंग। क्लियर? तो इस तरह से आपको वर्ब के थ्री फॉर्म्स जो है सारे बच्चों को आनी चाहिए। और आप घर में जाके लैंग्वेज की बुक देखेंगे क्योंकि अभी वर्ब की हमने पूरी डेफिनेशन देखी, कितने टाइप्स के वर्ब होते हैं उसकी एक्सरसाइज करी, अब हम करेंगे वर्ब्स की फॉर्म। क्लियर? तो बच्चों ये टॉपिक को हम कल करेंगे, तो इसको आप जो है घर में जाके रिवाइज करें जितना भी आज पढ़ाया है, क्योंकि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी सेंटेंस है कितना वर्ब इंपॉर्टेंट है इन अ सेंटेंस, ये अभी हमने डिस्कस करा था। क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द टॉपिक एट होम, और कहीं पे भी आप अगर आपको डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।